ना, कार्ड्स पे अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड के सिलेक्शन का क्या क्या ऑप्शंस बन सकता है, कितने तरह के कार्ड्स का सिलेक्शन अगर हम करें, रेड कार्ड्स का सिलेक्शन करेंगे तो कितने वे में कर सकते हैं, ब्लैक कार्ड्स का सिलेक्शन करेंगे तो कितने वे में कर सकते हैं, स्पेड क्लब, इस तरह का कॉम्बिनेशन, यही था ना। हाँ अगर यही। उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा तो बना सकते हो। कैमरा ऑन करो तो सब लोग, पहले सब लोग कैमरा ऑन करें। अब तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपका डेटा खत्म हो गया है, नेटवर्क है, ये है, डेटा खत्म होने वाला ऑप्शन तो है नहीं, बहुत सारा क्लासेस तो ऑनलाइन ही हो रहा है। चलो बताओ, सब लोग कैमरा ऑन करिए, नैना कैमरा ऑन करिए, रुचि सृष्टि, रजनीश, चंदन, सब लोग कैमरा ऑन करिए। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैंने कुछ होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, बना है बोलो, सॉल्व हुआ है, कुछ क्वेश्चंस बनाए हो? नहीं। नहीं बनाया? क्यों? मैम आपने दिया कहाँ था? दिया था ना उसका, बनाया क्वेश्चन, बनाया कुछ। मान लो अगर 10 क्लब हो, ठीक है, 4 स्पेड हो, और 6 हार्ट हो, तो इसका सिलेक्शन कितने वे में किया जा सकता है, बताइए तो जरा। टेन क्लब का कार्ड का सिलेक्शन करना है, 4 स्पेड का और 6 हार्ट का, कैसे हो सकता है बताइए जरा। कैमरा ऑन करने के लिए कहा है ना मैंने सबको, कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन करो। आवाज नहीं आ रही है मेरी, कैमरा ऑन करो सब, क्या कर रहे हो तुम लोग, आवाज नहीं आ रही है। टेन क्लब हो जाएगा, 13 कॉम्बिनेशन। म्यूट हो गया, रुचि फिर से बोले। 10 क्लब का होगा, 13 कॉम्बिनेशन, 10। और कैमरा ऑन करने के लिए मैंने कहा उसका क्या है, तबीयत खराब है मैम। तो फिर तो कैमरा ऑन नहीं होता। थर्टीन सी टेन स्पेड कार्ड के लिए क्या बोलेंगे, 13C4। नेक्स्ट हार्ट के लिए 13C6। ठीक है, यही सिलेक्शन होगा। चलो
अगर 6 रेड कार्ड हो और 10 नॉन रेड हो क्या होगा? नैना आप बताओ। रोल नंबर 9। यस मैम। हाँ बताइए तो क्या होगा? 6 रेड कार्ड का सिलेक्शन करना है और 10 नॉन रेड कार्ड का सिलेक्शन करना है। ये अभी रुचि ने बताया है, अगर 10 क्लब का सिलेक्शन करते हैं, 4 स्पेड का सिलेक्शन करते हैं, 6 हार्ट का सिलेक्शन करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। अगर रेड कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, 6 रेड और 10 नॉन रेड कार्ड का सिलेक्शन करना है तब कैसे बनेगा? बोल दो जल्दी से। क्या सोच रही हो? मैम नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता है आपको? क्यों नहीं पता है? बहुत आराम से बोल देते हैं नहीं पता। क्यों नहीं पता है बताओ? बोलो क्या करते हो क्लास में? कुछ भी सुनाई नहीं देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। रोल नंबर 7। रोल नंबर 7। रोल नंबर 6 सृष्टि। ऑडियो कनेक्ट ही हो रहा है अभी। रोल नंबर 16 आवाज आ रही है। 7 बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? रोल नंबर 7। सेवन का डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो चुका है। सृष्टि का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। नैना 16 और 13 चलो बताओ आप में से क्या होगा आंसर इसका? रेड कार्ड कितना है? रेड कार्ड कितना है नहीं पता आपको? कंपोजिशन बताया था ना उस दिन। 52 है? नहीं 52 तो टोटल हो गया और फिर 13 पर स्पेड हो गया। रेड भी 13 है क्या? रेड 13 नहीं होता। रेड 13 है क्या? नहीं 13 रेड नहीं होता। 52 नहीं। 52 टोटल कार्ड्स है ना, तो 52 टोटल कार्ड्स में से रेड कैसे हो सकता है? ऑल रेड है। उस दिन कहा था मैंने नोट कर लो सब कुछ, तो आप क्या कर रहे थे? पिक्चर कैप्चर कर रहे थे ना? माइंड में पिक्चर कैप्चर नहीं करते बस फोन में?
टोटल 52 कार्ड्स है वो डिवाइडेड है कितने में? सबसे पहले तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज बीइंग 26 एंड 26, और इसमें रेड और ब्लैक, यही रेड एंड ब्लैक कार्ड्स है, दिस इज रेड एंड दिस इज ब्लैक। इसमें आपका 13 कार्ड डिवाइडेड है, लाइक 13 ये है और 13 ये है, ठीक है। और रेड वाले में क्या था? हॉट एंड डायमंड। और ब्लैक वाले में क्या करेंगे? 26 ये 13 स्पेड और 13 क्या है? क्लब। सो अब यहां से देखो, रेड कार्ड 6 का सिलेक्शन करना है, कहां से आएगा? 26 से। सो 26C6 ये रेड कार्ड का सिलेक्शन हो गया, इनटू ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? नॉन रेड कार्ड। नॉन रेड कार्ड क्या है? ब्लैक है, रेड और ब्लैक दो ही डिवाइडेड है, तो रेड है या फिर रेड नहीं है? अगर रेड नहीं है तो कितने रेड नहीं है? दैट इज 26। सो उसको 26 से हम सेलेक्ट करने वाले हैं, 26C10 प्ले में। सो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ 10 ब्लैक कार्ड एंड 6 रेड कार्ड। सो ये टर्म आ जाता है, ठीक है, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। सृष्टि, रोल नंबर 6 का क्या है? हमेशा नेटवर्क इशू रहता है क्या? अभी तक उनका ऑडियो कनेक्ट ही हो रहा है। चलो देखो, इसके बाद हम लोग ना अरेंजमेंट याद है, परमुटेशन, जिसमें हम लोग अरेंज कर रहे थे। जैसे मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग, दिल्ली, सिटिंग वाला, हाँ अरेंजमेंट वाला। मान लो जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही चीज हम लोग कर रहे हैं, 5 factorial, इसका सॉल्यूशन 5 factorial होता है, गुड, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन में इस क्यों ज्वाइन कर देगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? 5 factorial, ठीक है। और 5 factorial का सॉल्यूशन आप कितना निकालते हो? 120 सॉल्व करके आता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि वर्ब ऐसे अरेंज करना है, इससे दिल्ली में जो वर्ड लिखा, जो भी लेटर्स है उसके से ऐसा वर्ड बनाओ जिससे, जिसमें कि वॉवेल्स साथ में आए, वॉवेल्स हमेशा साथ में रखा हो, कैसे बनेगा? वॉवेल कितने हैं इसमें काउंट करो तो, कौन कौन सा वॉवेल है? तो ई है और आई है, एंड आई, दो वॉवेल है। अब इन दोनों वॉवेल्स को हमेशा साथ रखना है। हमेशा साथ रखने का मतलब ये बता रहा है कि दिल्ली आप लिखना चाह रहे हो, इस वर्ड से जो बना रहे हो उसको ऐसे लिखो कि ई और आई हमेशा साथ में लिखे जाए, लाइक ऐसे लिख सकते हो डी ई आई, ई और आई साथ में आ गया, एल एच, हम ऐसे वर्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर ऐसे वर्ड फॉर्म कर रहे हैं तो इसमें ये वाला टर्म क्या है? हमेशा साथ में आ रहा है ना, क्या कर रहे थे? अगर साथ में आ रहे थे, हाँ क्या लिखेंगे? इन दोनों वर्ड को एक सिंगल वर्ड की तरह काउंट करेंगे। जब सिंगल वर्ड की तरह काउंट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? दिस इज वन फर्स्ट लेटर, ये जो होगा वो सेकेंड लेटर है, ये थर्ड लेटर है और ये फोर्थ लेटर है। बताओ कर सकते हैं ऐसा? क्यों कर सकते हैं?
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों वर्ड हम एक साथ ले रहे हैं, जब ये दोनों वर्ड एक साथ ले रहे हैं हमेशा साथ में रहेगा तो ये एक सिंगल वर्ड की तरह कंसिडर किया जाएगा। इस केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कितने तरीके से लिख सकते हो? अब कितने लेटर्स हैं इसमें, पहले पांच था, अब यहाँ कितना हो गया, फोर। सो इसका सॉल्यूशन कितने तरीके से निकाला जा सकता है, फोर फैक्टोरियल वे में, ठीक है। साथ में ये दो वर्ड है ये आपस में अरेंज होके ऐसे लिखा जा सकता है, आई ई है और ई आई, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अभी भी तो दोनों साथ में है ना, दोनों वॉवल्स क्या है, साथ में है। आप यहाँ वाकी का लेटर्स जैसा लिखा हुआ है लिख दो, और यहाँ पे ई आई लिखा है, यहाँ आई ई लिखा है, एल एच एल एच एज इट इज छोड़ दो, ये भी तो साथ में हुआ। अब यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, ये दो लेटर जो है, ये दो लेटर आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, टू फैक्टोरियल वे में। जैसे ये लेटर पांच था और फाइव फैक्टोरियल वे में सॉल्व हो सकता है, लिखा जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। एग्जैक्टली ये दो लेटर कितने वे में अरेंज किया जा सकता है, टू फैक्टोरियल वे में। सो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, फोर फैक्टोरियल आप ऑलरेडी निकाले हुए हैं, साथ में ये दोनों लेटर जो है आपस में रीअरेंज होके लिखा जा सकता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे टू फैक्टोरियल से, ठीक है। सो फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल क्या होगा सॉल्यूशन, बताओ तो कोई। फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, वन लिखना जरूरी नहीं है, टू फैक्टोरियल को भी टू लिख सकते हो। सॉल्यूशन बताइए कितना होगा, आंसर बताइए तो। नैना बताओ आप। 24 24 होगा सॉल्यूशन कब, जब आप इस वर्ड से जितना भी इस वर्ड से जो भी वर्ड फॉर्म कर रहे हो उसमें अगर वॉवल्स साथ में आएगा तो 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर वॉवल साथ में आएगा तो, अगर वॉवल साथ में नहीं आ रहा था तब 120 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, लेकिन अगर वॉवल साथ में लिखोगे हमेशा तो 24 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मैम 48 होगा। अच्छा हाँ, एक मिनट, 48 होगा ना। हाँ 12 एंड 48 हो जाएगा, ये दिस इज 48। चलते बारह हम 24 48, ठीक है, ये होगा, ठीक है। सो 48 वे में आप लिख सकते हो, कब, जब वॉवल्स साथ में हो तब, और वॉवल्स अगर साथ में नहीं होगा तो 120 वे होगा, ठीक है। बताइए बन सकता है ऐसा क्वेश्चन ना, नैना बोलो अभी समझ आया या नहीं? हाँ बन सकता। रोल नंबर 9। यस मैम। अभी बना के दिखाइए तो, एक वर्ड दे रहे हैं, सीमेज का बना के दिखाओ। सीमेज में वॉवल्स अगर साथ में हो तो कितने वर्ड फॉर्म होंगे, जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 132 हो रहा है, 134 तक बताइए मुझे, 33 हो रहा है, 34 35 तक बताओ जल्दी से। सीमेज में कितना वर्ड सीमेज से फॉर्म कर सकते हो, जब सारा का सारा जो अल्फाबेट है, सॉरी अल्फाबेट जो भी टर्म्स लिख रहे हो उसमें से आपका जो भी वॉवल्स है वो साथ में लिखे जाए तो कितने वे में लिखा जा सकता है, बताइए जल्दी से। साक्षी आपने क्यों ज्वाइन किया है? रोल नंबर 37। यस मैम। आपने क्यों ज्वाइन किया, आप लोगों का क्लास तो वहां हो रहा होगा ना, साक्षी एंड प्रियंका। यस मैम। आपका क्लास अभी यहाँ तो नहीं है मैम, लिंक आया था ग्रुप में। नहीं तो अभी वहाँ की क्लास में वहाँ वाला लिंक से ज्वाइन करो ना। कोविड है। हाँ ठीक है, जिसमें दो था उसमें तीन है, जैसे दो को ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे तीन को भी ऑपरेट करना है। सृष्टि का फिर से ऑडियो कनेक्टिंग होने लगा, ये क्या है? तो इन तीनों को दो ही मांगेंगे ना, अगर तीनों साथ में है तो तीनों को दो ही मानेंगे।
तीनों को दो नहीं मानेंगे, तीनों को एक मानेंगे, इन दोनों को एक मान रहे थे। हाँ, वही तीनों को एक। हाँ रजनीश रोल नंबर 16। जो भी रिस्पॉन्ड मत करो, सबका अटेंडेंस नहीं मिलने वाला। इतनी देर से आपको सुनाई दे रहा है, बनाओ ना क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम ये आपका आवाज नहीं आ रहा था, मैं बार बार लॉगिन हट जा रहा था, ज्वाइन हट जा रहा था। अच्छा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। मैम हो तो गया है पर थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है एक मिनट। रजनीश आप मुझे बताइए तो सीमेज वर्ड लिख रहे हैं, इसमें वॉवल्स साथ में आएगा, ऐसा कितना वर्ड्स बन सकता है? वॉवल्स चेक कर लो कितना है, और वॉवल्स हमेशा साथ में आए, ऐसा कितना वर्ड बन सकता है? बताते मैम। 720। हाँ रुचि क्या कंफ्यूजन है बोलो। मैं बोल रही थी 720 है क्या? बिल्कुल नहीं, 720 तो ओवरऑल बनेगा, 720 तो ओवरऑल बनेगा ना, 6 लेटर्स आते हैं, 6 फैक्टोरियल तो सब। नैना आप बताओ। मैं ये कह रही थी मैम 3। मैम वॉवेल 3 है। हाँ वॉवेल 3 है तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? दिल्ली में दो वर्ड था, दो वॉवेल था, हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। कितना होगा? 4 बनेगा। 4 3 मैम होगा, 3 3 बनेगा। क्यों 3 बनेगा? यस 3 होगा, 4 बनेगा मैम। एक इमेज होगा, एज होगा और एम होगा। अच्छा एक मिनट ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन अभी हम बताए हैं ये वाला, ये समझ आया है? ये बताओ मुझे। हाँ आ गया, ये समझ में आ गया है? अगर ये आ गया है तो ये बनाने में फिर क्या प्रॉब्लम है? रजनीश आपको ठीक है ये? नैना ये क्लियर है? yes, बताओ। yes, ये क्लियर है तब वहां पे क्या कंफ्यूजन है? 3-2 कैसे आ रहा है? 3 और 2 कभी हो सकता है कॉम्बिनेशन? 4 फैक्टोरियल मैम। हाँ 2 नहीं बोल रहे, 4 बोल रहे। ठीक है तो 4 फैक्टोरियल होगा, 4 तो होगा ही नहीं, 4 फैक्टोरियल होगा पहला केस। और उसके बाद जो वॉवेल्स है वो कितने वे में अरेंज होंगे? इनटू 3 में। यहाँ पे 2 था तो 2 फैक्टोरियल था, वहां पे क्या है, कितने वॉवेल्स हैं? 3 है तो कितने फैक्टोरियल होगा? तीनों डिफरेंट हो गए ना, 3 तो 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। Yes, ma'am. Rana, आपका सॉल्यूशन आया? रजनीश आप बताओ। एंड सृष्टि कनेक्टिंग ऑडियो। चलो रुचि एक क्वेश्चन ये बनाइए तो। टीयर वर्ड में, ठीक है टीयर वर्ड है, इसमें ई और ए मतलब जो वॉवल्स है दैट विल ऑलवेज कम टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड टीयर व्हेन वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर? सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इनटू 3 इनटू 2। श्योर
कहाँ हो तुम? That is 3 factorial. Ma'am, वो दोनों को count कर. 12 होगा. Yes. 3 into 2 into 2. That is 12. कुछ भी बोलोगी. 12. ठीक है. अब एक Sorry, ma'am. ऐसा देते हैं. चलो पटना वर्ड से बना के देखो तो. पटना. Four factorial into two factorial. Four factorial into two factorial. Yes, ma'am. Naina, तुम बताओ. And Rajneesh. कितना वर्ड फॉर्म होगा? फोर. फोर कैसे होगा नैना, ये बताओ तो पहले. मैम डबल ए तो भावल हो जाएगा वन. और टी टी सेकेंड और एन थर्ड और पी फोर. फोर क्या लिखेंगे? फोर आंसर होगा. नो मैम. देन टू फैक्टोरियल. फोर फैक्टोरियल. पहले तो फैक्टोरियल बोलने में इतना टाइम लग गया. चलो वर्ड्स फॉर्म करेंगे फोर फैक्टोरियल. ठीक है, इसका सॉल्यूशन फोर फैक्टोरियल होता है? नहीं, फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इक्वल टू में अगर फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल. अच्छा, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है आप लोगों को, जो ए है वो रिपीटेड है. यस मैम, दिख रहा है. जब रिपीटेड होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है टोटल अरेंजमेंट का? जब रिपीटेड होता है तो अरेंजमेंट क्या होता है? बताओ रुचि. फर्स्ट ही क्लास में पढ़े थे, फर्स्ट और सेकंड क्लास में ये पढ़े हैं. जहाँ रिपीटेशन होता है उसका टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म होते हैं? जितना लेटर्स है उसका फैक्टोरियल, दैट मींस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीटेड है उसका फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. ठीक है. यस मैम, ये तो क्वेश्चन हो भी चुका है, ये पता है हमें, ये पढ़े हुए हैं. अब इसमें ये कंडीशन डाल दिया है कि दोनों ए जो है वो क्या होगा, साथ में आने वाला है, यही है ना? यस मैम, रिपीटेड है ये तो. अब दोनों ए एक साथ आने वाला है, मतलब बाकी का लेटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे बनने वाला है? बताओ जल्दी से. रजनीश, नैना भारती भी है आपके क्लास में कोई? यस मैम है. बताइए
क्या होगा इसका? क्या बताना है मैम? इसका कैसे अरेंजमेंट करेंगे जब दोनों अल्फाबेट जो है, दोनों वॉवेल जो है वो साथ में हो तब? फाइव फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीट हो रहा है वर्ड उसको नीचे हाँ. लिखते हैं टू फैक्टोरियल. ये तो तब होगा जब सिंपली हम लोग करते हैं. और साथ में इसमें क्या होगा? वो जो कॉम्बिनेशन था जैसे पी मतलब हाँ जैसे कि अभी जो हम पढ़ रहे थे, अभी जो पढ़ रहे थे उसमें क्या टर्म आया था कि दिल्ली वर्ड है तो उसमें वॉवल्स को साथ में रखेंगे तब कितना वर्ड बनेगा. एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है यहाँ मेरा कि इसमें अगर हम दोनों वॉवल्स को साथ में रखेंगे तो कितना वर्ड फॉर्म करेगा. ये तो टोटल वर्ड फॉर्म होने वाला है जिसमें ए अलग अलग, ये पटना ही एग्जाम्पल है, दोनों ए अलग है. हमें वो वैसा वर्ड्स में बनाना है जिसमें ये दोनों ए साथ में हो तब कितना वर्ड बनेगा. क्वेश्चन ये है, एक ही वर्ड बनेगा? एक ही वर्ड बनेगा? नहीं नहीं नहीं, कैसे बनेगा रुचि? ठीक. और कुछ 121 कैसे बता रहे हो ये बताओ पहले मुझे. 121 नहीं कह रही हूँ मैं, 120 कह रही हूँ. पहले ये पढ़े है ना, ये तो हमें ये वाला जो बना हुआ है अभी यहाँ जो ये सॉल्यूशन लिखे हैं ये तो आपका पढ़ा हुआ है. ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं सबसे शुरुआत में, जहाँ रिपीटेशन होगा वहाँ ये होगा. अगर रिपीटेशन हो रहा है और यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है कि दोनों आपका जो वो है क्या वॉवेल है उसको साथ में लिखना है. मान लो हम एक जगह लिख के देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. पी ए ए वर्ड है आपस में लिख लो और टी एन ऐसे लिख सकते हैं ना. ये दोनों वर्ड जो साथ में था वो हम यहाँ लिख लिए हैं एग्जांपल के तौर पे. अब इसको मान लो फर्स्ट वर्ड ये है, फर्स्ट लेटर ये है, सेकंड लेटर ये है, थर्ड लेटर ये है और फोर्थ लेटर ये है. तो टोटल ऑप्शन कितने हुए? फोर फैक्टोरियल वे. फोर फैक्टोरियल वे में लिख सकते हैं साथ में. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या ये वाला टू इन दोनों को भी टू फैक्टोरियल वे में लिख सकते हैं. टू फैक्टोरियल वे में लिख सकते हैं, टू फैक्टोरियल वे में नहीं लिख सकते, साथ में टू फैक्टोरियल डिवाइड भी करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि दोनों ए ही है ना, रिपीट हो रहा है. हाँ, तो टू फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल कर दो तो ये कैंसिल होके वन ही आ जाएगा. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर फैक्टोरियल. फोर इंटू थ्री इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. अरे अच्छा हाँ, फोर ही है ना, फोर फैक्टोरियल ही बच जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 24. फोर फैक्टोरियल का निकाल लेंगे. हाँ, फोर फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, 24 ही होगा. 24. ठीक है. अगर इसी चीज में मान लो कुछ और वर्ड होता, मान लो लिख लो लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड लिखो तो डायरेक्टर लिखो, डायरेक्टर लिखिए, डायरेक्टर वर्ड. डायरेक्टर में कहाँ रिपीट हुआ है मैम? लिखो तो पहले, रिपीट नहीं हो रहा है, बॉबल साथ में लिखना.
ठीक है। वॉवेल साथ में कर दो, हम स्पेलिंग ब्रेक करके लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? डी आर सी टी आर, ये आपका वो है कॉन्सोनेंट्स है। अब डी में आई पता है डायरेक्टर में आएगा, डी आई टी ओ आर, सो आपके पास आई ई ओ, सो आई वर्ड आएगा, एक वॉवेल, एक ई होगा और एक ओ होगा, ठीक है। ये तीनों जो है वो वॉवेल एक साथ आना चाहिए। सॉल्यूशन निकालो टोटल, ये कितने वर्ड्स हुए, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉम्बिनेशन बनाओ, कितना आ रहा है टोटल? फोर आ रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज सिक्स, सिक्स फैक्टोरियल होगा आंसर, दिख रहा है? वन है ये, टू थ्री फोर फाइव एंड दिस इज द सिक्स, सो सिक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करोगे कितना, ये तीन वर्ड थ्री फैक्टोरियल वे में ये आएगा, जो आएगा दैट इज द सॉल्यूशन।